उदाहरण दस, दो सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हल, मान लीजिए छोटे गोले की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है। दिया है आर बराबर 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक छोटे गोले का आयतन बराबर, हम जानते हैं कि गोले का आयतन जो होता है वह 4/3 पाई आर की घात 3 होता है। अब हमारे पास गोले की त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे आर के स्थान पर 2 लिखेंगे, तो 4/3 पाई और 2 की घात 3। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 3 पाई घन सेंटीमीटर। चूंकि 64 छोटे गोले का आयतन बराबर, प्रत्येक गोले का आयतन हमने 32/3 पाई निकाला है, तो 64 गोले का आयतन 64 × 32/3 पाई होगा। 32 को 64 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 2048 पाई 3 घन सेंटीमीटर। इन 64 छोटे गोले को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है, बनाया है। अतः बड़े गोले का आयतन चौसठ छोटे गोले
के आयतन के बराबर होगा। मान लीजिए बड़े गोले की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है। तो बड़े गोले का आयतन बराबर 64, छोटे गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन हम देखें जानते हैं कि 4/3 पाई त्रिज्या है बड़े गोले की आर की घात 3 बराबर हमने 64 छोटे गोले का आयतन यहाँ निकाला है 2048 पाई 3। तो हम लिखेंगे 2048 पाई 3। अब आर की घात 3 को हम बाएं पक्ष पर रखेंगे और 4/3 पाई का पक्षांतर करेंगे। तो 3 जो है तिर्यक गुणा होके लिखेंगे, तिर्यक गुणा हो जाएगा 2048 पाई गुणा 3 3 गुणित 4 पाई। इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 500 पाई पाई कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, और 2048 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 512। या आर की घात बराबर 512, या हम आर को लिख सकते हैं घनमूल 512, या आर बराबर घनमूल हम 512 को लिख सकते हैं 8 8 64, और 64 8 512। तो इस तरह से हमें R का मान जो है वह मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसलिए बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर होगी। तो हमने बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ज्ञात की। तो यह इस उदाहरण का हल होगा।